प्रदेश से लिए चलते हैं बंगाल, जहां लगातार हो रही बारिश से बंगाल के कई जिले बेहाल हैं। आसनसोल में हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए। आसनसोल में जहां पर आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटे से यहां पर बारिश हो रही है, और इस बारिश में क्या हाल हो गया है यहां का, आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है वो पानी ही पानी भरा हुआ है। लोग डूब रहे हैं इस पानी में, और आप देख सकते हैं घरों का जो नज़ारा है, घरों में देखिए ताला लग गया है। लोग यहाँ पे जो है अपना अपना जान बचा के जो है ये यहाँ से इस इलाके को खाली कर चुके हैं। लोग ताला लगा के अपने अपने जो भी बचा कुचा जो सामान है वो सामान लेके वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। तो ये आप आसनसोल की तस्वीरें देख रहे हैं, और यहाँ भी आप देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, यहाँ की तस्वीरें भी वहाँ से जुदा नहीं। यहाँ भी नदियों का जलस्तर बढ़ने से और लगातार बारिश की वजह से आसपास के इलाकों में पानी भर गया है, और जल जमाव की वजह से यहाँ पर भी लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आसनसोल शहर के कई इलाके इस वक्त जलमग्न हैं। आसनसोल रेल पार में गारुई और नूनिया नदी उफान पर आ गई, और इसकी वजह से काफी लोगों के घर जो है वो भी खाली करा दिए गए। ये तस्वीर आप आसनसोल की देख रहे हैं, जहाँ पे देखिए पूरी तरह से यहाँ पर भी घरों के आसपास पानी इकट्ठा हो गया है। लोग अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए। कई इलाकों में सुरक्षा के मद्देनजर बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी गई है, क्योंकि ऐसे में देखिए देश के कई हिस्सों से ऐसी भी खबरें आ रही हैं जहां पर करंट लगने से भी मौत हो रही है, और उस वजह से जो बिजली आपूर्ति है उसे पूरी तरह से इस वक्त बंद कर दिया गया है। आसनसोल में कई ऐसी भी घटनाएं हुई हैं, और वो ना हो आगे आने वाले समय में, इसकी वजह से ये एक बड़ा एहतियात जो है वो बरता जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा देखिए आज भी बारिश का अलर्ट है, यानी अगर अब बारिश होती है तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल।